तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों से चौकीदार की तरह शाइन के घर के चक्कर काट रहा हूँ। गली के कुत्तों तक से दोस्ती हो गई है, तेरा कोई पता ही नहीं है। अरे हक्के बक्के क्यों घूम रहे हो? हक्के बक्के? यहाँ मेरे चक्के छूट रहे हैं। ये बता, तू बहुत लोगों से मिलती है? मिलती हूँ, गिनती नहीं। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? क्या? अरे कि तूने वो कोर्स किया है? बताया ना, एक को। अब हमने कोर्स किया है तो शर्माना क्यों? मर गया असलम, तूने साले चिंगारी को हवा दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, पहले तो हम परेशान थे कि हमने वो कोर्स किया है, अब तुम परेशान हो कि हमने वो कोर्स किया है। तुम इस कोर्स से इतना डरते क्यों हो? वो क्या है ना, उस कोर्स का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर कैसे समझाऊं? फिल्मों में जब दो फूल आपस में टकराते हैं तो उसके पीछे वो कोर्स होता है। कमरे में जब कुंडी लगती है और दुपट्टा पंखे में लिपट जाए तो नीचे वो कोर्स हो रहा होता है। जब लड़की चिल्लाकर बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसका मतलब है उसे उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। उस कोर्स का मतलब सेक्स। हाय अल्लाह, ये क्या बुलवा दिया हमसे। देखो बुरा मत मानो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो पेन है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज है, इसे मुंडी से पकड़ के जब घुमाते हैं ना ये बदल जाता है। आ गया ना ताकत से नजाकत पे। तुमने हमें समझा क्या है? एक तो गंदी गंदी बातें बुलवा देते हो और फिर गंदी गंदी चीजें दिखाते हो। हमने तुम्हें शरीफ समझा था। नहीं लेकिन मैं शरीफ हूँ, बोले ना गलती हो गई, वरना मैं ऐसी हरकत नहीं करता। अब हमें तो बदनाम कर दिया ना। देखो मुंह की बात दिल पे मत ले, तुझे जो चाहिए बोल, चांद तारी बोल वो भी ला दूंगा। बस इतना याद रखना, तुझे चांद दे दिया तो बाकी सब ईद कैसे मनाएंगे, और तारे दिलवा दिए तो चांद अकेला पड़ जाएगा ना। ऐसी बात है तो कर दो चांद को अकेला। अब जब तक तुम तारे नहीं दिखाओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। क्या भाई रोज रोज यहाँ आके खड़े हो जाते हो? अरे लड़की है लहरे नहीं, जो रोज समुंदर के किनारे पे मिलेगी। चलें। जब से उससे मिला हूँ जावेद, साली तेरी शक्ल भी मुझे अच्छी लगने लगी। असलम कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, देखो ये तारे, इंटर को सब भूल जाओ, नहीं देखना मुझे कुछ भी। अरे देख मैं जो कह रहा हूँ वो कर, जल्दी कर वरना कट जाएंगे। मेरी मिर्ची, कुछ हुआ क्या तेरे को? देख ये बंबई है और यहाँ सपने उसी के पूरे होते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं। चल तेरे से नहीं होगा। नहीं एक और बार प्लीज। तीसरे दिन मरना मंजूर है, मन तो कर रहा है पूरी रात यही कट जाए। हाँ तो लेट ही रहे, यहाँ कौन सा भाड़ा लग रहा है। और वैसे भी बंबई चलती दो चीजों पर है, एक लक दूसरी लोकल, एक गई तो दूसरी आएगी। हमें तो थैंक्स ले और बटक ले कहना चाहिए। बस क्या, अरे ये तो अपने पे कर्ज था, चुकाना ही था। मैं तुम्हारी बात नहीं शाहीन और डेट टांग की कर रही थी, ना वो मिलते ना हम मिलते, ना हम मिलते ना ये नजारा देखने मिलता। देख डेटांग अपना यार है वो सब ठीक है, पर तू शाइन का नाम मत ले अपने सामने। क्यों? अच्छा खासा मेरा एक लौता दोस्त था, अपनी गाड़ी डबल सीट थी वो और मैं, बस जब से शाहीन मिली है ना साले के ब्रेक ही फेल हो गए। अच्छा जलन हो रही है, दोस्त दूल्हा बन गया और ये घोड़ा अकेला रह गया। तुम्हारे शहर का तो दस्तूरिया में समझ नहीं आता, हर कोई अकेला है।
हर किसी का दिल चिल्ला रहा है, किसी को बुला रहा है, फिर भी दिल लगाने से डरता है, दोस्त बुलाने से डरता है। सच्चे दोस्त आंसू की तरह होते हैं, यहां दिल उदास हुआ वहां वो आ गए। अगर कभी हमारी दोस्ती पर शक हुआ तो अकेले में सिक्का उछाल लेना, चित गिरा तो हमारी दोस्ती पक्की, और पट गिरा तो सिक्का पलट लेना दोस्त, अकेले में कौन देखता है। एसीपी सावंत। कितने साल हो गए इस पोस्ट में सावंत? जितने साल तुझे पैदा हुए हो गए। कौन बोल रहा है? तेरी तरक्की, ऐसी खबर कि तेरे कंधे पे एक स्टार नक्की। कैसी खबर? मडाइलैंड के बंगले से जो लाश मिली, मोना की, उसका खूनी जिमी है, और जिमी शोएब का कुत्ता है। और तू कौन? पुलिस को गब्बर चाहिए, मुझे भी गब्बर चाहिए। तुम जिमी को पकड़ो, गवाह मिल जाएगा। बोल, तूने शोएब के कहने पे गोली चलाई थी, क्यों मारा मोना को? कौन मोना, किसकी मोना? मैं किसी मोना को नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तेरे जैसे सरकारी लोग बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उखाड़ नहीं सकते, लटका जरूर सकते हैं, मगर तू चाहे तो अपनी इस प्यारी गर्दन को बचा सकता है। बोल के तूने उसके कहने पे गोली चलाई, सरकारी गवाह बन जा। तेरे पास सबूत है ना? डाल मुझे अंदर, चल कोर्ट में। तेरे जज के ऑर्डर ठोकने से पहले ना शोएब सारे सबूत मिटा देगा, समझा तू? जो डर जाता है ना, तेरे जैसे सरकारी लोगों का मेडल बन जाता है। ऑफिसर, ना मैं तेरा मेडल बनने वाला हूं और ना शोएब को धोखा देने वाला हूं, समझा तू? चल कट ले तू, चल चल, तू मेरे काम की चीज नहीं। मैं जाऊं? हाँ, इसके पहले कि मेरा दिमाग बदल जाए। ओके। जो तुम्हारे रास्ते पे चलता है वही तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करता है। क्या हो गया? कौन सा उठा रहा है? जिमी ऊंचा उठने के चक्कर में बहुत नीचे गिर गया है, गद्दार है साला वो। जिमी? उसने रावल की आइटम को शूट किया था ना, पुलिस ने उसे उठा लिया। आप सिर्फ हुक्म करो भाई, थाने में ही ठोक देता है साले को। सावंत ने उसे पकड़ के 10 मिनट में छोड़ दिया, शोएब के गिरेबान को पकड़ के फिर ये हाथ खोल दिया। क्यों क्यों? लगता है जिमी पुलिस के साथ मिल गया, अपनी जान बचाकर हमारी फंसा दी। जावेद, अगर उसने पुलिस के कानों में मुताया ना तो हाथ साला जान से धोएगा। चल गाड़ी निकाल। नहीं भाई, भाई, हो सकता है पुलिस ने बकरी को इसलिए छोड़ दिया हो कि शेर गुफा से निकले और वो उसे दबोच ले। आपका जाना ठीक नहीं है, आपको जिमी चाहिए ना, मिल जाएगा। एक सादा बनारसी जी। बहुत सारे आदमी घर की रखवाली कर रहे हैं, मतलब जिमी अंदर ही है। भाई को जिमी चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए असलम। असलम ने जबान दी है, अब जान भी चली जाए
पर जिमी की तो बाप ने लेके दी है क्या बे? जैसे मर्जी चलाऊंगा। तेरे बाप को बोल एल का बोर्ड लगा के भेजे। कल्लू को बहुत चर्बी चढ़ गया है। चलो इनको सी का बोर्ड पहनाते हैं। चलो। ए। इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। बोलो दामले, क्या हुआ? यहाँ लॉज के पास कुछ बाइकर्स ने झगड़ा शुरू कर दिया है। बैकअप भेजिए सर। उनमें से एक आदमी लॉज में घुस रहा है सर। मेरा अंदाजा सही था। वो जो भी हो बचना नहीं चाहिए। पहुंच रहा हूँ मैं। असलम, तू यहाँ? ये क्या चल रहा है नीचे? टेंशन क्या है? भाई ने बुलाया तुझे, उन्हें तेरी फिक्र है। तो अपना आदमी है ना? ये पहन, सरकारी ट्रैफिक बहुत है। चल। इतनी भी क्या चलती है? बंबई पुलिस सब सूंघ लेती है। तुझे क्या लगा चकमा दे देगा? बोल बोल, शोएब कहाँ है? कहाँ है शोएब? शोएब यहाँ है भाई। अब यहाँ असलम, बाजियां पलट जाती हैं जब इंसान पलटते हैं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका आदमी हूं। मैं तीन तक गिनता हूं। आदमी तो औरतों के होते हैं, मुझे मर्द चाहिए मर्द। भाई मैं वहां सिर्फ 5 मिनट के लिए था। उन सालों ने मुझे मेरा टाइम टेबल पूछा और फिर जाने दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि तेरे हाथों के निशान पुलिस के पास है, जो कभी भी मेरी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। उन कमीनों ने मुझे फंसाया भाई, मुझे फंसा गया। हो सकता है, पर क्या करे जिमी, मैं तुझे मरा हुआ देख सकता हूं लेकिन कभी शक से नहीं देख सकता। तुम लोग उस तरफ से। असलम चल। Oh, 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 oh
की मौत का मातम बना रहा है या फिर मेरी जीत का। भाई ये भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। आज खुद फंसा था, कल मुझे फंसा देता। पुलिस का बंदोबस्त देखा था, वहां पकड़े जाते ना तो 15-20 किलो लोहा डाल देते हमारे अंदर। जिमी ढीला पड़ गया होगा, पर वो गद्दारी नहीं कर सकता। देख असलम, अपना हिसाब क्लियर है। कोई काम आदमी अच्छा करे तो साले के लिए शैंपेन खोलो, बुरा तो उसकी खोपड़ी। आदमी की अच्छाई दब सकती है, मर नहीं सकती। आपने मुझे कीचड़ से उठाया था, मेरे लिए आप हमेशा हीरो रहोगे। सब माँ की आंख हीरो बनना चाहते हैं, लास्ट रील के लिए जीना चाहते हैं। आखिरी रील में घर बसेगा, माँ खुश होगी, लड़की मिलेगी, हैप्पी एंडिंग होगा। मैं वो हूँ जो पूरी फिल्म में सबकी माँ बहन करना चाहता हूँ, मजे लूटना चाहता हूँ। मुझे याद किए बिना तो अच्छे लोगों की मिसाल नहीं दी जाती। असलम, विलन हूँ मैं, विलन। जाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तू अपना बच्चा असलम, तेरे मातम पे एक पैग एक्स्ट्रा लगाऊंगा, लेकिन साले तुझे मारूंगा जरूर। गलती करने वालों के लिए शोएब सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है, ऊपर का। अच्छा किया तूने मुझे बुला लिया। शोएब के टुकड़ों पे पलने का कोई शौक नहीं है मुझे। नो टेंशन, बॉम्ब लगाया बच गया, पुलिस से हाथ मिलाया उधर से निकल गया। अब साला कोई कुत्ता भी आके मुझे कहे ना कि मैं शोएब को काटूंगा तो उसे भी बाप बना दूंगा मैं। ले फिर हड्डी। ये कौन है? ये शोएब की नई लत है। अरे इसी लत तो वो रोज लगाता है, रोज छोड़ देता है। इस लड़की को अवार्ड मिला है सबसे खूबसूरत चेहरे का। हा? चेहरा पर्दे पे आने से पहले सुर्खियों में आ जाए, क्यों? ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, शोएब। उसने कह दिया और सबने मान लिया। अच्छा, मतलब पत्थर दिल में दरारें पड़ने लगी है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, चाबुक हाथ में आ गया है, अब घोड़ा काबू में आ जाएगा। नो टेंशन। प्यार और दोस्ती के बीच एक मोहरा बन चुकी हूँ बाबा, अब मैं क्या करूँ? दोनों में फैसला करना बहुत मुश्किल है बेटी, पर दिल का तराजू जिसकी ओर झुके जीत उसी की होती है ना, है ना? ओ बूढ़े सही बोल रही है वो। कट कट, किसने किया ये? कौन बोला ऐसा? वेरी गुड जैस्पी, चलो आगे बढ़ते। कम ऑन, स्टार्ट साउंड 33/6 टेक 1 एक्शन। तभी तो इंसान की जिंदगी पर शक होता है, बस वही नहीं मिलता जिस पर हमारा हक होता है। ओके कट इट, क्या बात, वेरी गुड जैस्मिन। थैंक यू सर। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है तो मैं कौन होता हूँ। चलो सब लोग पैक अप, घर जाओ, बाकी कल काम। थैंक यू। चले। तुम फिर आ गए? अम्मी को पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देगी। तू बोले तो तेरी अम्मी के लिए एक बढ़िया सा अब्बा ढूंढ दूं। हाय अल्लाह, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सोच के बोलूंगा तो बात बुरा मान जाएगी। तुम जैसा आदमी पहली बार देख रही हूँ। और देखोगे भी नहीं क्योंकि एक ही पीस हूँ, सिर्फ मैं। आजा आजा। चलो अब आ ही गए हो तो हमें शाहीन के घर छोड़ दो। मेरी गाड़ी में मीटर लगा हुआ है कि ड्राइवर मीटर डाउन करो और चलो। मैं तुमसे मिलने आया, छोड़ने नहीं।
हमने तार भेजकर बुलाया था, फोन किया था, नहीं ना तो हमारा काम करो। ये तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जानती हूँ बहुत पावरफुल आदमी हो, लोग डरते हैं तुमसे। अब गाड़ी चलाओ, वो नहीं। ये कौन लोग हैं जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? शाहिन को अपने हीरो से मिलना है और वो तब तक नहीं जा सकती जब तक हम उनके साथ ना हो। उसकी अम्मी को हम पर बहुत भरोसा है। वारे वास की माँ का भरोसा।